मोगा के रामगंज मंडी की गली नंबर 1 में हुआ बड़ा हादसा। मोगे के पोश एरिया रामगंज मंडी में दोपहर करीब 1 बजे एक मकान की 2 छतें गिर गईं और इसमें मलबे में माँ और बेटी जो अपने एक कमरे में बैठी आराम कर रही थी उनकी मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं मोगा पुलिस के DSP भुल्लर और नगर निगम के कर्मचारियों के अलावा मोहल्ले वालों ने दोनों माँ बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मलबा ज्यादा होने के कारण उनको बचाया नहीं जा सका। मोगा से भजन लाल की रिपोर्ट, लाइव भारत। बड़ी मदभागी गल है, अज रामगंज गली नंबर 1 दे विच एक गरीब परिवार रह रहा सीगा। घर दे ते उन्हां दे आप दे हालात बहुत माड़े सी। अज छत डिगण नाल मामा धीआं दोनों बैठियां दुख सुख कर रही सी। बड़ा अफसोस है इस गल का। सारे महल वालिआं ने साथ दे के डेड बॉडियां दोनों बाहर कढ़ियां। बड़ा दुख हुंदा। कौन कौन सी अंदर घर दे अंदर कौन कौन सी? अंदर एक कुड़ी सीगी ते उहदी मां सी, दोनों जणियां सी। एक कुड़ी होर सी ओह कितें बाहर गई हुई सी, वह भी हुण आई आ। कुड़ी कम ते जॉब करदी किते ते वह भी हुण आई आ जी। हालात किस तरह दे? हालात बहुत माड़े परिवार के। जिहड़े अंदरों कढ़े आ मलबे चों उहनां दे हालात किस तरह दे? हजे कुछ नहीं कह सकते। एक करी असी उन्होंने हॉस्पिटल भेजा सरकारी, साढ़े कर्मचारी सारे नगर निगम के पंजाब पुलिस सारी आई सी। हुण हॉस्पिटल गए असी भी मगर चले हाँ। उदू बाद जाके थोड़ा सारे हालात है जोड़े मशक्कत करनी पी। बड़ी मुश्किल क्या? मिट्टी बहुत ज़्यादा सी, छत पुरानी सी जी, मिट्टी पासे करके फिर असी वो सारा उन्होंने दोनों दो छत गिरी। हाँ जी, 2 छत डिगण नाल ही मिट्टी ज़्यादा हो गई। पुराने घर से जिमें आम आप वेखते हैं पुराने घर जोड़े होंगे पुराने तो उन्होंने करके सारी प्रॉब्लम आई है जी। परिवार 3 लोग ही? हाँ जी 3 लोग ही सके जी। इन्हों के जड़िया कुड़िया उन्होंने फादर की पहले ही डैथ हुई भी है जी। हाँ जी, तकरीबन 6 दिन पहला मेरे को औरत चरणजीत कौर नाँ की औरत है जी फोन आया सीगा। उस तो पहला कनेडा दे विचों किसी परसन रियाड नाँ का कोई परसन है, उस बंदे ने भी मैंने फोन किया भी इन्हों की मदद करो भी इन्हों घर की छत डिगण वाली है। जो इन्ह का मैंने फोन आया फिर मैं इन्हें घर जाके इन्ह के घर दिया सारिया फोटो खिंच के लैके आया और नाल इन्ह के घर के कागज़ वगैरह जोड़े चैक किए, क्योंकि सानू असी सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों जो घर बना के दिने किसी तो घर जगह उन्होंने नाँ पर होनी जरूरी है। सो इन्हों के नाँ पर जी वसीयत सी, इस करके वसीयत की फोटो कापी भी मैं ले ली, घर दिया फोटो भी ले लिया सगिया, तो सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट में जीडिया परसों भेजिया गई ये अच्छ मंगलवार कल ही भेजी गई सॉरी सोमवार ही भेजिया गई तो अज यह हादसा वापर गया। ये मकान बना के देने वास्ते एप्लीकेशन जी कितने दिन पहला तुहाडे कोल एप्लीकेशन आई सी? एप्लीकेशन तो कल ही आई है जी एक्चुअली सही महीनों के। तुसीं कदों जाके आए हो घरे? मैं शुक्रवार जाके आया। शुक्रवार जाके फिर तुम्हें पहला किए कोई इनफॉर्मेशन आई सी? नहीं, इन्हों का फोन से लगातार संपर्क के चलिए, इन्हों का फोन नंबर भी मेरे को फीड आ, तो जिहड़ा एक कैनेडा तो परसन फोन कर रहा से इन्हों की हैल्प करने वास्ते उन्हों का भी मेरे को फोन नंबर फीड आ। लूंगा जी, जिमें बिल्डिंग काफ़ी जर्जर सी पुरानी सी, किसी डिपार्टमेंट के ध्यान च नहीं लिया गया भी बिल्डिंग कदों भी गिर सकती है तो बचा किया जाए? देखो ये मैडम कह रहे थे, चरणजीत कौर कह रहे थे कि असं कई सालों तो ही इतने रह रहे हैं और जिहड़ा हैगा भी मैनू पूरी उम्मीद सी भी असी 10 दिनों के इन्हों का सारा इंतजाम कर देंगे घर का मकान का, क्योंकि मैं पूरे जोर शोर न लग्या हुआ सी। मैं कल भी एप्लीकेशन भेज के साडे सरबत दा भला दे प्रधान है जस्सा सिंह जी उन्होंने ध्यान च लिया सीगा कि भी एप्लीकेशन भेजी जा चुकी है जी, फोटो मैं उन्होंने व्हाट्सएप कर दित्तियां सीगियां, तो मैनू तो उम्मीद सी भी अज जां भलके इन्हां दी अप्रूवल आ जाएगी मकान की भी 1-1.5 लाख रुपया इन्हां दी छत ते लगना सीगा। मुंबई तुम घर जाके भी आए थे हालात भी देखे है तो तुम्हें लग नहीं रहा सीगा कि अगर काफ़ी जर्जर हालत है तो इन्हों कुछ दिन लिए घरों पास किया जाएगा? नहीं देखो जिहड़ा ना वो जिहड़ा कमरे की छत की गल कर रहे डिग्गी है वो वेखन लगता नहीं सी, मेरे को फोटो में भी वो डिग जाओ एड्डी छेती, वो तो बड़ी वधिया अंदरों पला पेंट पूंट करके बहुत वधिया अंदरों लोगों बनाई हुई थी, वो कितने जी बाली पेंट किया हो ना वो शायद बहुत ज़्यादा खोखली होगी ता करके वो डिग पी। 2 छतां डिगिया जी, एक उपरली डिगी है उस तो बाद फिर वो हेठली बाद डिगी होगी, हेठली छत तो मैंने काफ़ी वधिया हालात च लगती थी क्योंकि मैंने नहीं तो लगता एड्डी छेती डिगो। मैं सिविल हॉस्पिटल मोगे च वैसे ही जिहड़ा कोविड करके इत्थे दे प्रबंध देखण आया वी सारा,
तो इतने आए तो ही मैनू पता लग्या कि रामगंज एक नंबर गली च डबल छत डिग पई है। पहला उपरली डिगी वो थलड़े वाली तो भार आ गया, तो वह थले एक माँ तो धी दोनों जानिया सी, उन्होंने दोनों चो एक दी मौके पर डैथ हो गई और एक इतने सिविल होस्पिटल आके उन्हों की डैथ हो गई। बड़ी मंदभागी घटना, असं सारे ये अफसोस करते हैं और मैं चाहूँगा कि समाजिक संस्थावां और वह भी इन्हों की मदद कर, जे सरकार तो भी जो इन्हों हो सकता वह भी मदद करनी बनती है, क्योंकि तीजी बेटी नौकरी पर गई हुई सी, छत भी नहीं इस वेले रही कोई। सर किस तरह की हेल्प हो सकती है? ये तो कोई मैं एडा तक कोई फैसला नहीं लिया कि हो सकती है, बट मैं पता करता क्योंकि मेरे तो ये पहला ध्यान च नहीं सगा, इतने आ के मैं सिविल हॉस्पिटल पता लग्या। पता करते हैं जी तीजी बेटी है वो कितने हैगी है, की करती है, किदा की उन्होंने मदद की लड़ है, वह जहाँ कोई प्रबंध करके देना है। लिख भी सकते लोकल तौर पर भी समाजिक संस्थावान नाल जोड़ के जो भी मदद हो सकती करवा के दूंगा जी। रामगंज गली नंबर एक है, बड़ी अनफोर्चुनेट घटना हुई है, दुखदाई घटना है। पुराना मकान सीगा, उत्थे एक माँ ते दो दियां धीआं रहिंदियां सीगियां, एक धी कुदरती नौकरी करन गई हुई सी जिहड़ी वड्डी सीगी, ते उह छत डिगण नाल जिहड़ी मदर आ ते उहदी डॉटर आ उह दोनां दी डैथ हो गई। सर मलबे 'च दब गए सीगे? हांजी मलबे दब गए सी, बड़ी मेहनत कीती लोकां ने भी, बहुत मेहनत कीती पर असीं बचा नहीं सके। किन्नी उम्र किन्नी सर दोनां दी? उम्र है लड़की दी मेरे ख्याल 20-22 साल होणी है। दोनों छत डिगिया जी, उपरली छत थलड़ी तो डिगी तो थलड़ी, मलबा काफ़ी ज़्यादा सीगा, कोशिश तो बहुत की पर मकान पुराना होने। हाँ जी मकान पुराना होने करके।